हेलो डियर स्टूडेंट, सभी हिंदी भाषी छात्रों एवं छात्राओं को महेंद्र सिंह ने चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मॉडल वर्ब के तहत नीड, डियर, यूज्ड, टू और वुड के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। बाबू रे, बड़ा ही सरल, बड़ा ही आसान तरीका से आपको बताएंगे कि जीवन उपरांत अभी कभी नहीं भूल पाएंगे, समझे। स्ट्रक्चर के आधार पर बताएंगे, समझे, जो कि जीवन उपरांत अभी कभी भूल नहीं पाएंगे। बाबू रे, नीड का प्रयोग आवश्यकता होना के रूप में किया जाता है या जरूरत होना के रूप में किया जाता है, समझ गया ना। अब नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करते हैं, यानी सेंटेंस के अंतर्गत नीड का प्रयोग दो अर्थों में करते हैं, एक मेन वर्ब के रूप में और दूसरा जो है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। सेंटेंस के आधार पर देखें, इसका स्ट्रक्चर को पहले देखिए। सब्जेक्ट, जनरल रूल के तहत सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस एडजेक्टिव या प्रोनाउन या नाउन लगा करके बनाया जाता है। टेंस के आधार पर देखिए तो सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट प्लस वी वन के जगह पर नीड का प्रयोग होगा। प्लस अगर नीड का प्रयोग कब होगा बाबू, आई, अगर सब्जेक्ट रहेंगे आई, बी, यू और दे और पुलर नियम रहेंगे तब, समझ गए ना। क्या होगा जी, सर, नीड प्लस वी वन प्लस ओ डब्ल्यू करके वो आपको बनाएंगे। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट या विथ सिंगल नेम रहेंगे तो क्या लगेगा बाबू रे, भर वी फाइव का स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज किया जाएगा, जिसे नीड्स देख रहे हैं। और पास्ट टेंस के अगर सेंटेंस रहेंगे तो उसमें क्या होगा, नीडेड लगेगा, समझे। प्लस क्या होगा जी, वी वन प्लस ओ डब्ल्यू करके हम आपको पूरा करेंगे, समझ गए ना। सेंटेंस के आधार पर देखिए, मुझे कुछ रुपए की जरूरत है। आई नीड सम मनी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आई नीड यू, मुझे तुम्हारी दोस्त की जरूरत है। आई नीड योर फ्रेंड। अब दूसरा स्ट्रक्चर को देखिए, दूसरे स्ट्रक्चर के आधार पर देखिए, सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस ओ डब्ल्यू, जैसे वह तुम्हें उसे पेन की जरूरत है, उसे कलम की जरूरत है। सी नीड्स ए पेन। अब आइए दो, नंबर दो का सेंटेंस को देखें। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है,
निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, आई डी नॉट या आई डी डोंट नीड यू ना। तीसरा स्ट्रक्चर, तीसरा सेंटेंस देखिए, राजू को नया कार खरीदने की आवश्यकता थी, देखिए सेंटेंस क्या है, पास्ट टेंस का है ना, तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस नीडेड प्लस वी वन प्लस ऑटोमेटिक करके वाक्य को बनाया जाएगा, समझ गए। अब देखिए राजू को नया कार खरीदने की आवश्यकता थी, राजू नीडेड टू बाय ए न्यू कार। बाबू रे नीड के अंतर्गत आवश्यकता होने के रूप में या जरूरी होने के रूप में, समझे। इसका जो है चौथा रूप को देखिए, क्या चौथा रूप को बनाने का स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए, पूर्णतः आप बने रहे, पूर्णतः रूप से आप बने रहेंगे तो अच्छी तरह से समझ जाएंगे बाबू। ऐसा बनाने जैसे बेवजह मैं दिल्ली चला गया, यानी कोई मतलब नहीं था, समझे, बिना मतलब के चला गया, यानी कोई जरूरत नहीं था। ऐसे सेंटेंस के बनाने का स्ट्रक्चर होता है बाबू रे, सब्जेक्ट प्लस नीड नॉट प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ओ डब्ल्यू करके वो आपको बनाया जाता है। जैसे बेवजह मैं दिल्ली चला गया, आई नीड नॉट हैव गोन टू दिल्ली, बेवजह मैं तुम्हें पीट दिया, आई नीड नॉट हैव बैटन यू। अब आइए डियर का होता है साहस, डियर मतलब क्या होता है बाबू रे, साहस ललका, चुनौती को बोध कराने के लिए मॉडल वर्ब के अंतर्गत डियर शब्द का प्रयोग किया जाता है, डियर शब्द का प्रयोग किया जाता है, शब्द का मतलब डियर शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है बाबू रे, सब्जेक्ट प्लस डियर या डियर्स या डियरेट प्लस ओ डब्ल्यू करके वाक्य को बनाया जाता है, यानी ये जो है प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस के अंतर्गत इसका और पास्ट टेंस के अंतर्गत इसका प्रयोग होगा, समझ गए। सीता को स्टेज पर नाचने का साहस है, सीता को स्टेज पर नाचने का साहस है, सीता डियर्स टू डांस ऑन द स्टेज, सीता डियर्स टू डांस ऑन द स्टेज, सीता को स्टेज पर नाचने का साहस है। दूसरा वाक्य को देखें, वह मुझसे बात करने का औकात नहीं रखता, वह मुझसे बात करने का औकात नहीं रखता, ही डस नॉट डियर टू टॉक टू मी। बाबू रे इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत
इसका क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस डियर प्लस रिवन प्लस ओडब्ल्यू करके वो आपको बना, समझ गया ना? कहने का अभिप्राय मेरा है बाबू रे, प्रेजेंट असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत, असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर होते हैं और पास्ट टेंस के, पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर होते हैं, उसी आधार पर समझे, उसी आधार पर असर्टिव सेंटेंस के वाक्य बनेंगे, उसी आधार पर निगेटिव सेंटेंस के वाक्य बनेंगे और उसी आधार पर इंट्रोगेटिव के सेंटेंस बनेंगे, समझ गया ना? जो उसका स्ट्रक्चर है उसी आधार पर इसका स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ डियर इसमें लगता चला जाएगा बाबू, समझ गया है? समझ रहे मेरी बात को अच्छी तरह से? आप दूसरा वाक को देखें, वह मुझसे बात करने का औकात नहीं रखता, ही डजंट डियर टू टॉक टू मी। तीसरा सेंटेंस को देखिए, डरते डरते मैं वहां चला ही गया, डरते डरते मैं वहां चला ही गया, हिम्मत लगा करके बाबू समझे, हिम्मत लगा करके हम चले गए, समझे? तो हिम्मत में इसका तो बोध कराने की हिम्मत को मतलब दिखा दर्शाने के लिए तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डियर नॉट प्लस हैड प्लस विथ मी प्लस कोडम्बर के वाक्यों को बनाया। जैसे आई डियर नॉट हैड गॉन देयर, आई डियर नॉट हैड गॉन देयर, मैं डरते डरते वहां चला ही गया। अब आइए यूज्ड टू का प्रयोग मॉडल वर्ब के अंतर्गत आदत को दर्शाने के लिए या दिनचर्या को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है बाबू, समझ रहे हैं ना? इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वी वन प्लस ओडब्ल्यू लगा करके वाक्य बनाया जाता है। जैसे मैं सुबह में टहला करता था, मैं सुबह में टहला करता था, समझे? आई यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, महात्मा गांधी बचपन में बीर पिया करते थे, महात्मा गांधी बचपन में बीर पिया करते थे, तो महात्मा गांधी बस सॉरी महात्मा गांधी वाज, दूसरा सेंटेंस में महात्मा गांधी वाज यूज टू स्मोकिंग सिंस हिज चाइल्डहुड। मैं पटना में आम खाया करता था, आई यूज टू एट मैंगो इन पटना। दूसरा स्ट्रक्चर इसका देखिए, सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर या बस या वेयर प्लस यूज टू प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। मैं सिगरेट पीने का आदि हूँ, मैं सिगरेट पीने का आदि हूँ,
क्या होगा जी? आई एम यूज टू स्मोकिंग, मैं सुबह में दूध पीने का आदि हूँ। आई एम यूज टू ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अब आइए ऊट, ऊट का प्रयोग, कोड़ा कोड़ी कल्पना, ऊट का प्रयोग मॉडल एब्सोल्यूट वर्ब के अंतर्गत कोड़ी कल्पना, कोड़ी कोड़ी कल्पना समझते हैं ना, मनगढ़ंत भाव। तो कोड़ी कल्पना या बिन नम्र या बिनव को दर्शाने के लिए उसका पास्ट टेंस के अंतर्गत या प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। समझ गया है? इसका बनाने का जनरल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वी1 प्लस ऑर्डर करके वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे देखिए, मैं दिल्ली बिल्कुल जाऊंगा। आई वुड गो टू दिल्ली। दूसरा वाक्य देखिए, क्या आप यहाँ बैठना चाहेंगे? वुड यू सिट हेयर इंटरोगेटिव मार्क्स। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा जी? वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ओडब्ल्यू प्लस इंटरोगेटिव मार्क्स लगा के आपको बनाएंगे। अब तीसरा इसका स्ट्रक्चर देखिए, जो कि कोड़ी कल्पना के अंतर्गत है, समझे? मनगढ़ंत भाव जो हमारे दिल में कोड़ी कल्पना बनाते हैं ना, भाव है मन, मन कहता है मन पुआ पकाना, और इसी सेंटेंस को देखिए। अभी मैं दिल्ली जाता तो, अभी मैं दिल्ली जाता तो नया कार खरीदता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो सबको नौकरी देता। तो ये कोड़ी कल्पना है ना, तो कोड़ी कल्पना के जो सेंटेंस है उसको बनाने का स्ट्रक्चर को पहले देखिए। इसका स्ट्रक्चर था बाबू ने सब्जेक्ट से पहले, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट से पहले क्या होता है? इफ का प्रयोग होता है। पहले क्या लिखेंगे? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस देयर या V2 या हैड प्लस OC प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यदि मैं दिल्ली जाता तो नया कार खरीदता, If I went to Delhi, I would buy a new car. यदि मैं दिल्ली जाता तो नया कार खरीदता, If I went to Delhi, I would buy a new car. क्या ये कोड़ी कल्पना है? क्या सभी आदमी दिल्ली जाते तो क्या कार अब हाथी घोड़ा खड़े फिर कराता है? कितना बच्चा को पेट चलाना मुश्किल हो जाता है। अब आइए चौथा इसका स्ट्रक्चर देखिए। चौथा स्ट्रक्चर का ऐसे सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में कैसे सेंटेंस का अंदर प्रयोग किया जाता है इसके बारे में देखिए। यदि मैं दिल्ली चला गया होता तो नया कार खरीद लिया होता। उसका स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बिन प्लस या। ध्यान से प्रश्न देखिए, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 या विन या हैड प्लस OC
plus subject plus would had plus V3 plus object करके वाक्य बनाता है, समझे? यदि मैं दिल्ली चला गया होता तो नया कार खरीद लिया होता। If I had gone to Delhi, I would have bought a new car. बाबू रे मॉडल एक्सिलरी वर्ब मॉडल वर्ब के तहत नीड का प्रयोग आवश्यकता या जरूरी होने के बोध कराने के लिए किया जाता है और डियर का प्रयोग साहस या ललकार या चुनौती या हिम्मत को दर्शाने के लिए किया जाता है और यूज टू का प्रयोग आदत या जीवन चर्या को दर्शाने के लिए किया जाता है और वुड का प्रयोग परिकल्पना को या कोड़ी कल्पना या विनम्रता को या विनम्र भाव को दर्शाने के लिए पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस के को सेंटेंसों को दर्शाया जाता है। जय हिंद।